जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई बढ़िया सी जर्नी में। तो दोस्तों, हम अभी आ चुके हैं हैदराबाद के लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन पे, और आज की जो हमारी जर्नी होने वाली है वो आप लोगों को पता ही है कि हमारी जर्नी हैदराबाद से मुंबई के बीच होने वाली है। और हमारी जो ट्रेन होने वाली है वो होने वाली है ट्रेन नंबर 17058, लिंगमपल्ली से चलकर मुंबई CSMT को जाने वाली देवगिरी एक्सप्रेस में। तो दोस्तों, हम अभी आ चुके हैं लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन के अंदर, और हमारी जो ट्रेन है ना, उसका कोई अनाउंसमेंट हो रहा है ना, वो कहीं प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई दिख रही है। तो सिर्फ 20 मिनट बचा है डिपार्चर के लिए और ट्रेन का कुछ अता पता नहीं। तो दोस्तों, अभी वक्त हो रहा है 12:12 और अभी भी हमारी ट्रेन का कोई अता पता नहीं है। और हमारे सामने अभी जो आ रही है वो आ रही है भुवनेश्वर से मुंबई CSMT के बीच में चलने वाली कोणार्क एक्सप्रेस। ये ट्रेन भी मुंबई जा रही है, लेकिन ये ट्रेन जाएगी वाया वाड़ी, सोलापुर और पुणे होते हुए। तो इस ट्रेन का भी यहाँ से डिपार्चर हो गया, और हमारी जो ट्रेन है उसका अभी भी कोई अनाउंसमेंट नहीं है, कोई कुछ अता पता नहीं कि वो कहाँ है। सो फाइनली दोस्तों, अपने डिपार्चर से सिर्फ 5 मिनट पहले हमारी जो ट्रेन है वो लिंगमपल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे शंट हो रही है। और ये बूटी शेड का WDP-4D जो लोकोमोटिव है ना, यही दोस्तों स्टार्ट टू एंड पूरा CSMT हम लोग को लेके जाने वाला है। तो ये पूरी ओवरऑल डीजल लोकोमोटिव के साथ जर्नी होने वाली है। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अभी अपने कोच के अंदर, और हमारा जो कोच है पूरा खाली है, सिर्फ एक दो पैसेंजर यहाँ से दिख रहे हैं, क्योंकि ये ट्रेन जो है ना अभी हाल ही में लिंगमपल्ली से स्टार्ट हुई है, वरना ये सिकंदराबाद से चलती थी। तो ये पूरा जो फुल होगी ना, वो सिकंदराबाद से होगी। सो फाइनली दोस्तों, हमारी जो ट्रेन है वो बिल्कुल अपने निर्धारित समय पर लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन से डिपार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों, एक और नई बढ़िया सी जो जर्नी है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। बिल्कुल नया रूट है, बिल्कुल नई जर्नी है। एंड तक ज़रूर देखिएगा, जर्नी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, हमारी ट्रेन जो है वो लिंगमपल्ली से डिपार्ट हो ही रही थी कि ये देखिए कुछ पैसेंजर है जिनकी ट्रेन छूट गई, जो लेट हो गए हैं। गार्ड साहब को आवाज़ दे रहे हैं, अब देखते हैं गार्ड साहब ट्रेन रोकते हैं या नहीं। सो फाइनली दोस्तों, गार्ड साहब ने 9 पैसेंजर्स के लिए ट्रेन को रुकवा दिया है, और ये पैसेंजर्स जो है वो ट्रेन में आ चुके हैं। इनका कोच कौन सा है अब वो आगे अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन उनको ट्रेन मिल गई। तो दोस्तों, अगर मैं इस देवगिरी एक्सप्रेस की बात करूँ, तो ये ट्रेन है ना हाल ही में लिंगमपल्ली से स्टार्ट होना शुरू हुई है, वरना ये ट्रेन पहले जो है वो सिकंदराबाद से मुंबई के बीच चलती थी। और ये ट्रेन है ना, ये पूरा मराठावाड़ा रीजन कवर करती है वाया नांदेड़ औरंगाबाद। तो दोस्तों, अपने निर्धारित समय से करीब 5 मिनट पहले ही हम पहुंच चुके हैं अपने पहले शेड्यूल्ड हॉल्ट यानी बेगमपेट रेलवे स्टेशन पे।
दोस्तों सामने जो आप लाइन देख रहे हैं लेफ्ट साइड में जाती हुई, वो जो ट्रैक है वो जाती है सिकंदराबाद से हैदराबाद डिक्कन नामपल्ली रेलवे स्टेशन। तो जो तेलंगाना एक्सप्रेस वगैरह है वो यहीं से होकर जाती है। तो दोस्तों अभी हम क्रॉस कर रहे हैं, ये हमारे सामने जो है वो है संजीविया पार्क, और सामने अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको हुसैन सागर लेक का भी थोड़ा बहुत सीन दिखेगा। तो दोस्तों अपने निर्धारित समय से करीब 3-4 मिनट पहले ही अब हम एंटर हो रहे हैं तेलंगाना स्टेट के सबसे बड़े रेलवे जंक्शन सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर, और यही वो रेलवे स्टेशन है जहाँ से ये ट्रेन पहले ओरिजिनेट हुआ करती थी। अभी हाल ही में ये ट्रेन जो है वो लिंगमपल्ली शिफ्ट हुई है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो इस ट्रेन की पूरी भीड़ है, जो पूरा क्राउड है ना, वो सिकंदराबाद से ये ट्रेन को बोर्ड करेगा। तो आप भीड़ देखिए भाई साहब, तगड़ी फुल होने वाली है यहाँ से। तो दोस्तों अपने निर्धारित समय से करीब 5 मिनट की देरी से हमारी जो ट्रेन है वो अब सिकंदराबाद जंक्शन से भी निकल चुकी है। तो बाय बाय हैदराबाद, बाय बाय सिकंदराबाद। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सिकंदराबाद ना एक बहुत बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है, यहाँ से कई सारे रूट जाते हैं। आगे से एक रूट है जो हैदराबाद जाता है, एक रूट जो है वाड़ी जाता है, इस तरफ अगर आप देखेंगे तो एक रूट है जो नांदेड़ निज़ामाबाद की तरफ जाता है, सीधा एक लाइन जो है विशाखापट्टनम के लिए जाती है। तो हम जो हैं वो अभी बढ़ रहे हैं हुजूर साहिब नांदेड़ निज़ामाबाद वाली लाइन पे, और हमारे बाजू में जो ट्रेन चल रही है ना ये है सिकंदराबाद का किनाड़ा पोर्ट एक्सप्रेस, जिसके रेक जो है वो शंट हो रहे हैं। तो दोस्तों अब बिल्कुल अपने निर्धारित समय से 5 मिनट की देरी से हम अब पहुंच चुके हैं बोलारूम रेलवे स्टेशन। ये स्टेशन भी करीब हैदराबाद में ही आता है। तो दोस्तों अगर हम इस रूट की बात करें ना, तो ये पूरा रूट जो है वो अभी अंडर इलेक्ट्रिफिकेशन है, और प्लस सिंगल लाइन है, डबल लाइन भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो लगभग मनमाड़ तक जो है वो सिंगल लाइन है। तो दोस्तों अपने निर्धारित समय से करीब 15 मिनट की देरी से हम अब पहुंच रहे हैं मिर्ज़ापल्ली रेलवे स्टेशन। ये पूरा लाइन ही सिंगल लाइन है, तो और इलेक्ट्रिफिकेशन का भी काम आधा हुआ है आधा बाकी है, मतलब पूरा नहीं हुआ है।
तो दोस्तों अपने निर्धारित समय से करीब आधी घंटे के देरी से हम अब पहुंच रहे हैं कामारेड्डी रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों कामारेड्डी रेलवे स्टेशन जो है ना, ये एक बड़ा रेलवे स्टेशन है। तो खाने पीने की जो सुविधाएं हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा नहीं पर मिल जाएगी। तो दोस्तों अपने निर्धारित समय से करीब 35 मिनट की देरी से हमारी जो ट्रेन है अब वो कामारेड्डी से भी निकल चुकी है। और यहाँ ये भी पूरा डीजल एरिया ही है, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है। डीजल लोकोमोटिव आप बाजू में देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, पूरा सिंगल लाइन है, तो शायद किसी ट्रेन की क्रॉसिंग के लिए हमें यहाँ पे अनशेड्यूल्ड हॉल्ट मिला है। तो अपने निर्धारित समय से करीब 50 मिनट की देरी से हमारी जो ट्रेन है अब वो पहुंच चुकी है निज़ामाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन। निज़ामाबाद जंक्शन भी इस रेलवे रूट का, यानी सिकंदराबाद नांदेड़ मनमाड़ जो रूट है, इस रूट का एक इम्पॉर्टेंट बड़ा रेलवे स्टेशन है। तो आपको यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएँ मिल जाएंगी। तो दोस्तों निज़ामाबाद रेलवे स्टेशन तेलंगाना स्टेट के निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, और ये जंक्शन रेलवे स्टेशन है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो करीमनगर की तरफ भी गई है।
दोस्तों अभी हम क्रॉस कर रहे हैं गोदावरी रिवर। ये रिवर भी इंडिया की फेमस रिवर्स में से एक है, और अगर आपको इस रिवर को और अच्छे से एक्सप्लोर करना है, एक लंबे टाइम दूरी के लिए एक्सप्लोर करना है ना, तो आप विशाखापट्टनम से हैदराबाद की तरफ जब आएंगे तो राजामुंड्री स्टेशन के बाद ये रिवर पड़ती है। भाई इंडिया की थर्ड या सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज है। तो दोस्तों अपने निर्धारित समय से करीब एक घंटे से भी ज़्यादा की देरी से अब हम पहुंचने वाले हैं बासर रेलवे स्टेशन। बासर रेलवे स्टेशन, ये रेलवे स्टेशन जो आने वाला है ना, ये तेलंगाना स्टेट का आखिरी रेलवे स्टेशन है। हाँ जी, तो दोस्तों अपने निर्धारित समय से करीब एक घंटे से भी ज़्यादा की देरी से अब हम पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र के सबसे पहले रेलवे स्टेशन इस रूट पे, धर्माबाद रेलवे स्टेशन पे। दोस्तों अभी जो आपको सामने धुआं दिख रहा है ना, ये जब दूर था तो मुझे ऐसा लगा ना कि हमारा जो WDP-4D है वो फुल स्पीड में एकदम चगिंग कर रहा है, लेकिन जब करीब आया तो पता चला भाई ये खेत में आग लगी हुई है। तो दोस्तों अभी हम पहुंचने वाले हैं मुदखेड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन, और ये जो लाइन आप देख रहे थे ये जाती है आदिलाबाद की तरफ। तो
दोस्तों अपने निर्धारित समय से करीब 4 मिनट की देरी से हमारी जो ट्रेन है वो अब पहुंच चुकी है महाराष्ट्र के मुदखेड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। ये रेलवे स्टेशन जंक्शन क्यों है ये मैंने बताया अभी आपको, क्योंकि यहाँ से जो है वो एक लाइन आदिलाबाद की तरफ जाती है, तो मुंबई से जो ट्रेन आती है एक नंदीग्राम एक्सप्रेस वो यहीं से अलग हो जाती है। तो दोस्तों करीब 5 मिनट की देरी से हम अब पहुंच चुके हैं मराठवाड़ा रीजन और इस रूट के सबसे इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन यानी हुजूर साहिब नांदेड़ रेलवे स्टेशन पे। तो दोस्तों हुजूर साहिब नांदेड़ रेलवे स्टेशन जो है महाराष्ट्र के नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है और ये फेमस है हुजूर साहिब गुरुद्वारा की वजह से। बाकी दूसरी तरफ अगर हम नज़र डालें तो हमारे सामने खड़ी है नागरसोल नरसापुर एक्सप्रेस और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अभी नांदेड़ CSMT राज्य रानी एक्सप्रेस खड़ी थी जो डिपार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों अपने निर्धारित समय से करीब 17 मिनट की देरी से हमारी जो ट्रेन है वो अब हुजूर साहिब नांदेड़ रेलवे स्टेशन से भी डिपार्ट हो चुकी है और वो जो पीछे आप लोगों ने बैंड बाजा देखा वो हमारे ही कोच में कुछ पैसेंजर्स थे जो श्री जगन्नाथ पुरी वगैरह का तीर्थ करके आए थे, तो उसकी वजह से उनका वहाँ पर जो वो एक ग्रेट वेलकम हुआ है क्योंकि वो अपना जो पिलग्रिमेज टूर था उसको कम्प्लीट करके वो वापस आए। तो दोस्तों हमारी जो ट्रेन है वो बिल्कुल अपने निर्धारित समय पे यानी 7:35 पे अब पहुंच चुकी है पूर्णा जंक्शन रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन भी जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से भी एक लाइन जो है वो वाशिम हिंगोली डेक्कन होते हुए अकोला को निकलती है और एक लाइन सीधा जो मनमाड़ होते हुए मुंबई को जाती है। तो दोस्तों अपने निर्धारित समय से करीब 10 मिनट की देरी से हमारी जो ट्रेन है वो पूर्णा जंक्शन से भी डिपार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पे आप ऊपर इलेक्ट्रिक वायर्स पे अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रिक वायर्स अभी तक आए नहीं हैं, मतलब इस लाइन को पूरा इलेक्ट्रिफाइड होते हुए एक लंबा टाइम जाएगा। तो
दोस्तों अपने निर्धारित समय से करीब 5 मिनट पहले ही हमारी जो ट्रेन है वो अब पहुंच चुकी है परभनी जंक्शन रेलवे स्टेशन। इस रेलवे स्टेशन को जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये यहाँ से भी 2 लाइन जाती है। एक लाइन यहाँ से पार्ली विजनाथ की तरफ जाती है और एक लाइन अपनी मेन लाइन जो मनमाड़ से होते हुए आती है। तो दोस्तों अपने निर्धारित समय से करीब 5 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन जो है अब पहुंच चुकी है परतूर रेलवे स्टेशन पर। तो दोस्तों अभी वक्त हो रहा है 10:15 के करीब और हमें जो है वो बीच में कहीं रोका गया है और सामने आप देख सकते हैं सिग्नल जो है वो ग्रीन है, मतलब हमें किसी ट्रेन के साथ क्रॉसिंग मिलने वाली है बिकॉज़ ये सिंगल लाइन है। तो दोस्तों अपने निर्धारित समय से करीब 17 मिनट की देरी से हमारी जो ट्रेन है वह अब पहुंच चुकी है जालना रेलवे स्टेशन। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जालना से जो मुंबई तक का रूट है वो यहां से इलेक्ट्रिफाइड हो गया है। इनफैक्ट जालना अभी जो है काफ़ी ट्रेन जो है वो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ भी आती है। तो दूसरी तरफ अगर हम नज़र डालें तो हमारे सामने खड़ी है जालना मुंबई जन शताब्दी एक्सप्रेस जो कि इस रूट की बहुत फेमस ट्रेन है। और वंदे भारत भी स्टार्ट हो चुकी है लेकिन वंदे भारत मुझे यहाँ कहीं दिख नहीं रही है, मे बी शायद इसके पीछे शंट हो। तो दोस्तों अपने निर्धारित समय से करीब 17 मिनट की देरी से हमारी जो ट्रेन है वो अब जालना रेलवे स्टेशन से भी डिपार्ट हो चुकी है और हमारा अगला स्टॉप जो है वो डायरेक्ट औरंगाबाद रेलवे स्टेशन है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ से वंदे भारत भी स्टार्ट हो चुकी है, तो ये रही जालना मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि जालना के आगे किसी रेलवे स्टेशन पे खड़ी थी। दोस्तों अपने निर्धारित समय से करीब 25 मिनट की देरी से हमारी जो ट्रेन है वो अब पहुंच चुकी है औरंगाबाद रेलवे स्टेशन।
तो दोस्तों औरंगाबाद रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है और यहाँ से गुजरने वाली हर ट्रेन को यहाँ पे स्टॉप है, मतलब कोई ट्रेन इस रूट की इस स्टेशन को स्किप नहीं करती है। बाकी अगर आप इस रूट में बात करेंगे सारे बड़े रेलवे स्टेशंस में मैक्स टू मैक्स 3 प्लेटफॉर्म्स ही है। सिर्फ हुजूर साहिब नांदेड़ रेलवे स्टेशन पे आई थिंक सो 4 या 5 प्लेटफॉर्म था, पर दिखा नहीं, वहाँ पे भी 3 ही प्लेटफॉर्म दिखा मुझे। तो दोस्तों अपने निर्धारित समय से करीब आधी घंटे की देरी से हमारी जो ट्रेन है वो औरंगाबाद रेलवे स्टेशन से भी डिपार्ट हो चुकी है। दोस्तों रात काफ़ी हो चुकी है, लगभग 12 बज चुका है और आगे की जो स्टेशन है उन्हें स्किप करके मैं अभी थोड़ा सोऊंगा, आराम करूंगा, सुबह मिलता हूं जहां पे भी आपसे आँख खुलेगी। तो दोस्तों ये रही मुंबई आदिलाबाद नंदीग्राम एक्सप्रेस जिसको दौलताबाद रेलवे स्टेशन पे क्रॉसिंग दिया गया है, हमें रोका गया है और इस ट्रेन को निकाला गया है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी वक्त हो रहा है सुबह के 7 और दोस्तों मैं सोता रह गया, मुझे कुछ खबर ही नहीं और अभी आँख खुली तो हम पहुंचने वाले हैं थाने रेलवे स्टेशन।
सो फाइनली दोस्तों अपने निर्धारित समय से करीब 37 मिनट की देरी से हमारी जो ट्रेन है वो अब पहुंच चुकी है अपने डेस्टिनेशन यानी मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन। तो फाइनली दोस्तों हमारी जो जर्नी है अब वो यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। बाकी मैं इस ट्रेन की बात करूँ तो ओवरऑल मुझे ये ट्रेन बहुत अच्छी लगी, और अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही प्यार करते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक और नई बढ़िया सी जर्नी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।